आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं शालिका राज और मैं शिवांगी कक्षा 8वीं की छात्रा है। आप सभी का आज की प्रश्नोत्तरी में स्वागत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न महात्मा नारायण दास ग्रोवर सदन से है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? मैं अपने प्रश्न को दोहराना चाहूंगी, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 470। मेरा दूसरा प्रश्न श्री आनंद स्वामी सदन के लिए है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है गंगा। मेरा तीसरा प्रश्न रिक सदन से है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। मेरा चौथा प्रश्न यजुर सदन के लिए है, भारत की राष्ट्रीय पंक्ति का पहला शब्द क्या है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है सत्यमेव। मेरा पांचवा प्रश्न सांसद सदन से है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। मेरा छठा प्रश्न अथर्व सदन के लिए है, भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। मेरा सातवां एवं अंतिम प्रश्न सभी सदनों के लिए है, भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मैं अपने प्रश्न को दोहराना चाहूंगी, भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 8 अक्टूबर। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।